इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग माने क्या, मीन्स सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, और ब्रीडिंग इन बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, माने फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होना या एनिमल्स में आइडेंटिकली सेम इंडिविजुअल्स रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, उनमें ब्रीडिंग होना, उसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। द अबव कॉसेस डिप्रेशन और डिक्रीज इन विगर, फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड फर्टिलिटी। तो इनब्रीडिंग ऐसा होता गया तो क्या हो जाता है, विगर स्ट्रेंथ में डिप्रेशन कमी हो जाता है, और फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस में कमी आ जाता है, और फर्टिलिटी में भी कमी आ जाता है। क्यों, कॉज क्या है इसका, क्योंकि इनब्रीडिंग गिव्स राइज टू होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स एंड ईच एंड सच ब्रीड्स दीज विल परपेचुएट लेस एंड विथ डिक्रीज्ड फर्टिलिटी। क्योंकि इनब्रीडिंग होने से होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव एलील्स का होमोजाइगस कंडीशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको मालूम है कि टी डोमिनेंट अलील है और ये टी छोटा रिसेसिव अलील है, तो इसका कॉम्बिनेशन आ जाएंगे टी 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 टी, कहीं पे भी देखो ये होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा। इसमें देखे तो वो परपेचुएट लेस, माने बहुत देर तक नहीं चल सकते, दो तीन जनरेशन तक ही चल सकते हैं। और इनमें क्या हो जाता है, ऐसे जब होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स जब स्टोर हो जाता है, उनमें फर्टिलिटी वो ग्रुप में भी कम हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स है, हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यहाँ पे क्या है, हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और नेक्स्ट है लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और जीरो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन माने क्या, दोज प्रोड्यूस्ड बाय इनब्रीडिंग शो लीथल कैरेक्टर्स एंड ओनली 3 to 4 जनरेशंस कैन बी मेंटेन। माने इनमें इनब्रीडिंग हुआ है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, और लीथल कैरेक्टर्स बाहर आ गए हैं। क्या है लीथल कैरेक्टर्स, माने जो उसको लीथल माने क्या, जो उसको मार सकता है, जो उसको किल कर सकता है, ऐसा कैरेक्टर्स उभर के आ गए, इसलिए क्या हो गए, सर्वाइव नहीं हो पाए, या ओनली 3 to 4 जनरेशन तक ही ये सर्वाइव हो पाए या मेंटेन हो पाए। नेक्स्ट, लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वेरी लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज सीन एंड सम हैव नॉर्मल विगर एंड फर्टिलिटी। तो इसमें क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत कम देखा गया है, कुछ लोगों में ये नॉर्मल स्ट्रेंथ और नॉर्मल फर्टिलिटी भी देखा गया है, इसको लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। जीरो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या है, अगर इनब्रीडिंग किया तो भी इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं दिख गया। तो ये है इसका टाइप्स। इफ देयर इज अ सेक्सुअल पॉपुलेशन, if there is a small population and if inbreeding occurs, it can lead to reduced survival and reproduction of that population. आप सोचिए कि population ही बहुत छोटा population है, बहुत कम, सोचिए कि उसमें 100 ही है जन, और उसमें inbreeding हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका सर्वाइवल भी रिड्यूस हो जाएगा और उसका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा पॉपुलेशन टोटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस कैन कॉज पॉपुलेशन बॉटलनेक। क्या है ये, ऐसे पॉपुलेशन जब रिड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बॉटलनेक, दैट इज अ शार्प, कहाँ कब कब देखते हैं हम पॉपुलेशन बॉटलनेक, शार्प डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल कैलामिटीज। अगर अर्थक्वेक हुआ, नहीं तो कुछ फ्लड्स ऐसा एक एरिया में आ गए, तो वो एरिया का पॉपुलेशन फुल गिर जाएगा, तो उसको हम शार्प डिक्रीज इन पॉपुलेशन, उसको पॉपुलेशन बॉटलनेक बोलते हैं। ऐसे पॉपुलेशन बॉटलनेक अगर हम इनब्रीडिंग किया तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन में भी हम देख सकते हैं। ये पॉपुलेशन बॉटलनेक को जेनेटिक बॉटलनेक भी बोला जाता है।